हेलो दोस्तों, तो सीटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं निफ्टी बैंक का, जो 15 मई के लिए हमने लेवल दिया था। मोस्टली बाइंग जोन था 47,865 से लेके 900, ये रेंज में मार्केट अगर रहता है उसके ऊपर सस्टेन कर जाता तो बाइंग करेंगे। ओपनिंग लगभग वहीं पे हुआ और मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा था और यहाँ पे शार्प अप मूव आया और इस जोन को मार्केट ने गेन करने की कोशिश किया, लेकिन कोशिश फेल हुआ और वापस मार्केट नीचे आ गया। लेकिन उस पीरियड में हम रुकेंगे नहीं, हमें यहाँ पे ट्रेड लेना होता है, हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। और हमने जो कॉल बाय किया होगा उसका मोस्टली मार्केट नीचे आया तो अपना टॉप लॉस यहाँ पे गया होगा। हाँ, उसके बाद जरूर हमें पुट साइड ट्रेड मिला है। यहाँ पे जब मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया तो एक पुट साइड में एक ठीक ठाक प्रॉफिट मिला, लेकिन बहुत एक्साइटेड दिन नहीं था आज। मार्केट मोस्टली एक साइडवेज या तो एकदम डाउन ट्रेंड में भी थोड़ा सा डाउन आ रहा था। मार्केट को नीचे भी नहीं जाना था और मार्केट को ऊपर भी नहीं जाना था। ये बात थी जस्ट कल परसों जो मूवमेंट मार्केट में आया उसका एक जस्ट पुल बैक मूवमेंट था। यहाँ पे 30 मिनट्स में तो हायर टाइम पर में आप देखेंगे तो अभी भी अपसाइड का ट्रेंड बरकरार है। लेकिन आज इंट्राडे के लिए आपको मोस्टली पहले आधे घंटे में 1 घंटे में अपसाइड का अपॉर्चुनिटी दिख रहा था, लेकिन वो फेल हुआ और मार्केट में लगभग 10:30 के बाद डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटी मिला था बैंक निफ्टी के लिए। उसमें भी एक ट्रेड करेंगे, लेकिन मोटा मोटी ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा आज। ये प्रोसेस था आज। अभी बात है कि कल क्या करना है। तो आज जो मार्केट में देखो, रोज मार्केट इतना आराम से काम नहीं कर सकता है। 1-2 दिन मार्केट में ऐसे मूवमेंट होने के बाद बड़ा मोमेंटम मार्केट को देना होता है, जो कि कल हो सकता है। तो कल 16 मई के लिए हम मार्केट में क्या कर सकते हैं, कल के लिए रेंज क्या है वो रेंज में आपके सामने फटाफट रखता हूँ। तो कल हमें क्या देखना, देखो मार्केट ने ऑलरेडी मोमेंटम दिया, पुल बैक हुआ और वापिस लास्ट के 15-20 मिनट में मार्केट वापिस जो नीचे का जाने की कोशिश कर रहा था वो फेल होके जो स्विंग ट्रेडर है उन्होंने वापस मार्केट को अपसाइड लेके जाने की कोशिश किया हुआ है। हायर टाइम फ्रेम अभी भी अप ट्रेंड दिखा रहा है इंडेक्स में। तो अगर मैं कल इंट्राडे काम करना चाहता हूँ तो 47,828 से लेके 860 ये रेंज मुझे कल मिल सकता है। यहाँ से मार्केट स्लाइटली 100-125 पॉइंट गैप अप करेगा तो इस बाइंग जोन के ऊपर मार्केट जाता है तो फिर मैं कल बाय करूंगा और यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज नहीं होता है तो फिर आज जो मार्केट में सेलिंग आया हुआ है, सेलिंग तो आया लेकिन मार्केट ज्यादा गिरा नहीं, लेकिन कल भी अगर ये सेलिंग रेंज के नीचे ही है तो इसके अंदर अंदर मार्केट घूम के नीचे जाता दिखेगा तो फिर कल मार्केट में अच्छा सा ब्रेकआउट आएगा, मार्केट नीचे गिरेगा। तो डाउन साइड में भी कल हमें कल मोस्टली मार्केट में मोमेंटम दिन रहेगा। अप साइड है तो डाउन साइड प्राइस को फॉलो करेंगे, चार्ट को रिस्पेक्ट करेंगे, जो चार्ट पे लिखेगा बाइंग रेंज के ऊपर आएगा तो कॉल बाय करेंगे, सेलिंग के नीचे रहेगा तो सेल बाय पुट बाय करेंगे। ये सिंपल प्रोसेस है। 47,663 से लेके 630 ये रेंज है, ये रेंज है तो इसके नीचे मार्केट जाएगा तो 47,600 के पुट को कल हम फोकस में रखेंगे और वहां पे पुट साइड काम करेंगे। प्रोवाइडेड अगर बाय साइड के अगर ऊपर मार्केट चला जाता है तो 47,800 की कॉल के साइड बैठेंगे, अदरवाइज रेंज के अंदर अंदर रहता है तो विदाउट ट्रेड नो ट्रेड जोन में मार्केट रहेगा। फिर ये प्रोसेस है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।